अगर इस फिल्म के बजट, स्क्रीन्स, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और हिट एंड फ्लॉप की बात करें तो इस फिल्म की एडवर्टाइजिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट मिलाकर इस फिल्म का टोटल बजट है 410 करोड़ रुपए और इतने बड़े बजट में बनने वाली ये बॉलीवुड की पहली फिल्म है और ट्रिपल आर और रोबोट 2 के बाद इंडिया की ये तीसरी सबसे महंगे बजट की फिल्म है। स्क्रीन्स की बात करें तो इस फिल्म को दुनिया भर में 8,913 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है, जिसमें से इंडिया में इसको 5,019 स्क्रीन दी गई थी जबकि विदेशों में इसको 2,894 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। अब अगर बात करें ब्रह्मास्त्र के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इस फिल्म ने इंडिया में 3 हफ्तों के बाद 248,97,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है जबकि विदेशों में इस फिल्म ने 95,59,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है, यानी फिल्म ब्रह्मास्त्र का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 350 करोड़ रुपए के आसपास रहा। अगर इसके हिट और फ्लॉप की बात करें तो ये फिल्म क्लीन हिट होती अगर ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 460 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती, पर ऐसा नहीं हुआ। तो अगर इस फिल्म को थियेटिकल बॉक्स ऑफिस के हिसाब से देखें तो ये फिल्म एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई है, लेकिन मेकर्स इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स, सेटेलाइट राइट्स और डिजिटल राइट्स बेचकर फिल्म की कॉस्ट तो निकाल लेंगे, क्योंकि इस फिल्म के डिजिटल राइट्स जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार को बेचे जाएंगे वो कम से कम 100 करोड़ रुपए की डील होगी। तो इस हिसाब से इस फिल्म की कॉस्ट तो निकल जाएगी, बट ओवरऑल ये फिल्म फ्लॉप फिल्म साबित हुई है।